मूवी शुरू होती है, हम देखते एक फैमिली को जिसमें चार लोग शामिल रहते हैं, आदमी कीटा और उसका बीवी जुंगसू और बेटी किजन और उसका बेटा कीवो। वो लोग एक छोटी सी बेसमेंट में रह रहे होते हैं और उनको गुजारा करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब रहता है। और वो अपना घर चलाने के लिए पिज्जा के बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक काम करने से उनका घर का कंडीशन सुधर नहीं जाता। फिर एक दिन कीवो का यूनिवर्सिटी का दोस्त उसका घर रहता है और उसको एक पत्र देता है और कहता है, मेरे दादा ने ही तुम्हारे लिए भेजा। इस पत्थर को बहुत ही स्पेशल माना जाता था और कहता है, जिसके पास भी ये पत्थर रहेगा उनके घर में खुशहाली और संपत्ति बरी रहेगी। कि वो अपने दोस्त को अपने घर का फाइनेंशियली कंडीशंस के बारे में बताता है जो कि ठीक नहीं है। उसका दोस्त कीवो को बताता है कि वो स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता था तुम उसको इंग्लिश पढ़ा देना। जिस पर कीवो कहता है कि मैं तो कॉलेज जाता नहीं हूँ और मुझे वो काम नहीं देंगे। उसका दोस्त बताता है कि मैं तुम्हें रेकमेंड कर दूंगा, बस तुम अपने बहन से एक डिग्री का सर्टिफिकेट बना लेना। उसकी बहन एक आर्टिस्टिक है तो उसके लिए उसने एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के दे देती है। कीवो वो घर चला जाता है जिसमें उसको ट्यूशन देनी थी है, और वो घर काफी बड़ा और खूबसूरत रहता है और उनके फैमिली वाले भी बहुत रिच रहती है। और उसका फैमिली का नाम पार्क है। फैमिली में चार लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे, बेटा और बेटी। बेटी वो जिसका नाम हाय रहता है और जिसको ट्यूशन पढ़ाना होता है। उनके घर में एक मेड रहती है जो कि काफी सालों से वहाँ पर काम कर रही होती है। कि वो एक डेमो क्लास देता है, इसके साथ उसकी माँ भी बैठ जाती है और वो सेटिस्फाई होके उसको एक जॉब दे देती है। फिर कीवो को पता चलता है कि उसकी लड़की के छोटे भाई को पेंटिंग का शौक है। उसके बच्चे की माँ बोलती है कि इसी के कारण से उसने कई टीचर को हायर किया था, लेकिन कोई भी यहाँ पर टिक नहीं पाया। फिर कीवो अपना बहन को लाने की सोच रहता है क्योंकि वो भी एक आर्टिस्टिक है। फिर कीवो दसांग की मदर को उनके एक फ्रेंड के बारे में बताता है जो कि एक आर्टिस्टिक टीचर है और उसको ज्वाइन करने के लिए पूछता है। दसांग की मदर इसको सुनकर राजी हो जाती है। फिर कीवो अपना बहन का नाम जेसिका बदलकर यहाँ पर लेकर आता है। यहाँ पर कीवो अपना बहन का नाम इसलिए बदल रहता है ताकि उनको शक ना हो जाए ये दोनों भाई बहन है। और फिर किजन जेसिका बदलकर उसके बच्चे की आर्ट टीचर बन जाती है और यहाँ पर यह बोलती है कि वो एक आर्ट थेरेपिस्ट है। और यहाँ पर जेसिका और उसके भाई कीवो दोनों यहाँ पर काम करने लगते हैं। और जब जेसिका के पहले क्लास होते हैं तो वहाँ पर घर के मालिक केन संग के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके ड्राइवर को बोलता है कि जाके जेसिका को छोड़ कर आए, और वो उनका ड्राइवर ऐसा ही करता है। यहाँ पर बहुत ही रात होने के कारण संग के फादर ड्राइवर को छोड़ाने के लिए कहते हैं। जेसिका ड्राइवर से कहती है कि उसको मेट्रो स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दिए जाए, और जेसिका निकलने से पहले उसकी पैंटीज को निकल होशियारी से वहाँ पर छोड़ देती है। जेसिका इसीलिए करती है क्योंकि उनको ओनर को उसके ड्राइवर के ऊपर शक आ जाए। ओनर को पैंटीज मिलती है तो वो ड्राइवर और जेसिका द आर्ट टीचर के ऊपर शक लगाता है और इस बात को लेकर वो अपने बीवी से डिस्कस करता है। फिर उसकी बीवी जेसिका को उसके रात के बारे में पूछती है तो वो बताती है वो मेट्रो स्टेशन पर ही उतर कर चली गई थी। और जेसिका के बात को लेकर वो सेटिस्फाइड हो जाती है और उसको जाने के लिए कहती है, और उसको जाने के बाद वो ड्राइवर को वहाँ से काम से निकाल देती है। जेसिका यहाँ पर ये सब इसलिए करती है क्योंकि इस ड्राइवर के वजह उस फादर को यहाँ पर काम मिल जाए। फिर यहाँ पर जेसिका उसके फादर के भाई का एक ड्राइवर को यहाँ पर सजेस्ट करती है जो कि इसका फादर थे। उनके फादर को भी वहाँ पर जॉब मिल जाती है और यहाँ पर बेटी बेटा बाप सभी काम करने लगते हैं। और ये तीनों यहाँ पर अनजान होकर काम करते हैं क्योंकि इनके ओनर को ये शक ना हो जाए ये एक फैमिली है। फिर जब हम देखते हैं कि कीव हाई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि हम कीवो और किजुन उसकी मदर को भी यहाँ पर काम दिलाना चाहते हैं, और इस मकसद के लिए उन्हें वहाँ का मेड को निकालना पड़ेगा जो कि आसान नहीं था। और वो एक प्लान बनाते हैं, पीच के ऊपर जो पाउडर रहता है जो किसी को भी एलर्जी देते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। जब वो मेड डॉग के साथ खेल रही होती है तो पाउडर उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है और उसको एलर्जी हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाके पहुँचती है और यहाँ पर कीवो का बाप भी आता है और उसके साथ एक सेल्फी बना लेता है। फिर वो घर की मालकिन को शॉपिंग पर लेके जाता है। फिर वो एक फोटो दिखाता है जिसपे बोलता है कि वो घर की मेड को हॉस्पिटल में देखा है और बताता है कि उसने फोटो खींचते समय वो बीच में आ गई थी, और ये भी बताता है कि उसने उसकी सभी बातों को सुन लिया, और ये कहता है कि उसको टीबी हो गया है। ओनर उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है पहले, और वो ड्राइवर अपने बेटी को एक मैसेज फॉरवर्ड करता है जिससे उसकी बेटी पाउडर को लेकर मेड के ऊपर छिड़क देती है। और यहाँ पर मेड को खांसी आने लगता है तो वो टिश्यू को लेकर खांसती है और उस टिश्यू को वहाँ पर फेंक देती है। और यहाँ पर ड्राइवर उस टिश्यू को उठाने के लिए जाता है तो वहाँ पर सॉस को छिड़क देता है और उस टिश्यू को मालकिन को दिखाता है, और मालकिन को यकीन हो जाता है उसकी मेड को टीबी है।
और यहाँ पर ओनर ड्राइवर को बोलती है कि इस बात को लेकर पति को बताना दे क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा होंगे। फिर वो ओनर अपने मेट से मिलकर उसको काम से निकाल देती है। और यहाँ पर ड्राइवर अपने ओनर को अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि जो एक कुक है और उसको काम पर लेने के लिए मना लेता है। और ऐसे ही ये तीनों अपने फैमिली वाले यहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते है। और वहाँ पर यह एक फैमिली है, किसी को भी पता नहीं चलता। और अब इनका फैमिली का भी बहुत ही हालात सुधर जाते है क्योंकि इनको अच्छा पे मिल रहा रहता है। और वो सब लोग बड़ी चालाकी से अपना नाम बदल कर यहाँ पर काम कर रहे रहते हैं। फिर 10 को सॉन्ग का बर्थडे आता है तो वो सेलिब्रेट करने के लिए पिकनिक पर जाते हैं। और यहाँ पर पार्स का फैमिली जाने के बाद इनके फैमिली पार्टी सेलिब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पर उनके फैमिली काफी एंजॉय कर रहता है तभी उनको एक बेल रिंग आता है जो कि उनका पुराना मेड है और उनको बताती है कि उसका सामान यहाँ पर छूट गया है तो उसे लेने आई है। ये औरत उसको अंदर जाने देती है लेकिन वो औरत जाके बहुत ही देर हो चुका रहता है। इससे संदेह लगाकर वो देखने लगती है कि वो क्या कर रही है तो वो एक कबोर्ड को धकेल रही होती है। वो इससे हिल नहीं रहा था क्योंकि उस कबोर्ड के नीचे एक प्लेट फंसा हुआ है। जुनसुक उस प्लेट को निकाल देती है, उस अलमारी साइड खिसट जाता है जिससे एक दरवाजा ओपन होता है बेसमेंट के नीचे। तो वो जाकर अंदर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी रहता है जो कि उस मेड का हस्बैंड है। यहाँ पर मेड जुनसुक को बताती है कि उसके हस्बैंड के ऊपर बहुत सारे कर्ज है, इसलिए वो मेड बताती है कि उसके हस्बैंड को यहाँ पर छुपा दिया गया है, अगर उसका पति बाहर गया तो उसको जान से मार देंगे। और यहाँ पर उसके और उस हस्बैंड की तकलीफों को जुनसुक को बताती है। और मेड ये भी बताती है कि घर के बेसमेंट पे यहाँ पर जगह तो इसीलिए उसके हस्बैंड को यहाँ पर वो शिफ्ट कर दिया गया था। और वो मेड उसकी तकलीफों को बताकर जुनसुक के लिए एक हेल्प को पूछती है। वो बताती है कि अगर एक हफ्ते में अपने पति को खाना देती है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा मेहरबाना हो। वो मेड अपने पति को खाना देने के लिए पे भी करेगी ये भी बोलती है, लेकिन जुनसुक ये सभी बातों को नहीं मानती है। और ये सभी बातों को अपना पति और बेटा सुन रहे रहते हैं तभी उसका पैर फिसल जाता है और सभी बाहर गिर जाते हैं। और ये सभी मेड अपने वीडियो पर रिकॉर्ड कर लेती है और उनको धमकाने लगती है। यहाँ पर कीवो ड्राइवर को पापा बुलाते देख वो हैरान हो जाती है और वो मेड इसको वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है। और उस मेड को शक हो जाता है कि ये एक फैमिली है और इसको ओनर को दिखाने के बारे में बोलती है। तभी जुनसुक मेड को बहुत ही रिक्वेस्ट करती है वो ओनर को ना बताए, लेकिन तभी मेड उसके हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और उनके फैमिली को बोलती है कि हाथ खड़ा करे ऊपर, सबको वो रिकॉर्ड कर लेती है। जब वो मेड इसको रिकॉर्ड कर रही रहती है तब जुनसुक उसके ऊपर हमला कर देती है और तभी कि वो उस मेड का फोन को उठाकर उस वीडियोस को डिलीट करने लगता है। अचानक उनका फोन का टेलीफोन रिंग होने लगता है और वहाँ पर ओनर उनसे बोलती है कि बारिश की वजह से उस पिकनिक को कैंसिल करके वो घर वापस आ रहे हैं और उनके लिए खाना बना के तैयार रखे। उनके पास सिर्फ 8 मिनट है कहकर वो फोन रख देती है। जुनसुक इस बातों को अपने फैमिली को बताती है और उस मेड और हस्बैंड को वहाँ पर छुपा देते हैं बेसमेंट में। फिर कीवो और जेसिका साफ सफाई करने में लग जाते हैं और जुनसुक वहाँ का खाना बनाने में लग जाते हैं। ठीक 8 मिनट बाद उनके फैमिली वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर वो साफ सफाई सभी करके पहले ही तैयार हो रहे थे। और यहाँ पर प्रैंक और उसके फैमिली को जरा सा भी डाउट नहीं आता और ये सभी एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं यहाँ पर। और फिर मालकिन खाना खाते हैं और ये मालकिन खाना खाते समय जुनसुक को ये बताती है कि एक दिन बर्थडे के समय मेरे बेटे ने कोई भूत को देखा है, लेकिन वो भूत असल में मेड का हस्बैंड रहता है और ये लोग समझते हैं कि वो कोई भूत है। उसी दिन रात को बारिश आने लगता है तो उनका बेटा सुंग कहता है कि वो बाहर सोएगा। तो सुंग के मदर और फादर बाहर ही सोते हैं ताकि उसके ऊपर वो नजर रख सके। और वो सोफे के ऊपर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, उसके नीचे कीटे किजुन और केवे छुपे रहते हैं। घर का ड्राइवर कीटो को होता है और घर का ओनर उसके वाइफ को बताता रहता है कि उसके जिस्म से एक गंदीदार बदबू आता है जो कि सहना नामुमकिन है और ये सच भी रहता है। और वो सच कह रहा होता है क्योंकि जिस जगह पर वो रहते हैं वो एक गार्बेज एरिया है और वहाँ पर लोग टॉयलेट करते हैं और इसी वजह से उनके जिस्म से बदबू आ रही होता है। और इन सभी बातों को वो सच सुन रहे होते हैं। और एक दिन दसुंग उसके टीचर से भी बदबू आ रहे थे उसके माँ को जाके बोल देता है और ये सभी उनको बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए उनके फैमिली वाले सभी अपना कपड़ा सोप परफ्यूम सभी चेंज करने के बारे में सोचते हैं। और ये सभी चेंज करने के बाद भी वो बदबू वहाँ से नहीं जाता है क्योंकि ये सभी बदबू उनका घर से आ रहा होता है। लेकिन उनके ओनर सोने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके घर जाने के समय बहुत ही तेज तूफान बारिश हो जाता है और वहाँ पर देखते हैं कि इनका घर पानी से भरा पड़ा रहता है। इनका घर का खिड़की ओपन हो गया था तो इसीलिए पानी वहाँ से खूब सारा आ गया था इनके घर के अंदर। और इनके घर में ये सभी नहीं रह सकते तो वो दूसरा जगह ढूंढने लगते हैं वहाँ पर और वो फुटपाथ पर जगह देखकर वहाँ पे सो जाते हैं। अगली सुबह ओनर कॉल करके जेसिका को बताती है सुंग का बर्थडे में तुम्हें आना चाहिए।
और यहाँ पर सुंग के मॉम शॉपिंग करने के लिए उनके ड्राइवर को लेकर बाहर चली जाती है। और घर वापस आने के दौरान ओनर को ड्राइवर से बहुत ही गंदा स्मेल आता है, इसीलिए वो अपने मुंह पे हाथ रखती है। तो ड्राइवर को बहुत ही शेम फील होता है वहाँ पर। यहाँ पर ओनर किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये बदबू उससे सहा नहीं जाता। और यहाँ पर पार्टी चल रही होती है तो कीवो और हाई ऊपर रहते हैं। और कीवो हाई को पूछता है कि क्या हम इन लोगों से, तो हाई यस कहती है, लेकिन असल में ये इन लोगों से नहीं रहता है। और कीवो सोचने लगता है कि अगर वो बेसमेंट में मौजूद लोग ऊपर आ गए तो उनका फायदा फाश हो जाएगा, फिर उनकी फैमिली को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर वो कुछ सोता है और वहाँ से उसने फ्रेंड ने दिया पत्थर को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ पर मेड और उसके हस्बैंड रहते हैं। घर की मेड की एक दिन पहले ही डेथ हो चुकी रहती है। जब वो लोग इन्हें नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब वो ऊपर आने की कोशिश करती है, तभी जुंगसुक उसे आते देख वहाँ पर लात मारती है और वो नीचे गिर के मौत हो जाता है वहाँ पर उसका। उन चारों को भी इसके बारे में पता नहीं होता और क्यू नीचे पहुँच जाता है और उसके हाथ में एक पत्थर रहता है, लेकिन वो पत्थर क्यू से हाथ से निकल जाता है और वो चालाकी से जाके उस पत्थर को उठा लेता है। क्यू उन दोनों को मारने आया था क्योंकि उनके फैमिली का राज को कोई भी खोल ना पाए, लेकिन यहाँ पर इस मेड का हस्बैंड रस्सी लेकर क्यू को पीछे खींचने लगता है और क्यू को एक जगह पर लटका देता है और उसी पत्थर से उसको मारने लगता है, लेकिन उस पत्थर से उसको नहीं मारता और क्यू वहां से भाग जाता है। लेकिन क्यू यहां पर गिर जाता है तो वो आदमी यहां पर आके उसको काफी जख्मी कर देता है। फिर वो पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है, फिर उसकी नजर पड़ती है किचन पर जो कि केक लेकर सुंग के पास जा रही होती है, और वो आदमी किचन को पहचान लेता है और उसी चाकू से लेकर उसको मार देता है। किचन यहाँ पर बहुत ही जख्मी हो जाती है तो उनका फादर आके उसके जख्म को दबा देता है ताकि उसका जख्म कम हो जाए, लेकिन उसका जख्म काफी गहरा होता है। जुंगसुंग ये सभी देखकर मेड के हस्बैंड के ऊपर अटैक कर देती है और इस लड़ाई में जुंगसुंग उस आदमी को मार देती है। और अब इस घर का ओनर उस चाबी को लेना चाहता है जो कि मरे हुए इंसान के नीचे रहता है, और चाबी लेते समय बदबू आने के कारण वो उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। ये सभी देखकर खेट यानी द ड्राइवर उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो चाकू से लेकर उसको मार देता है। उनका ड्राइवर ये सब इसीलिए करता है क्योंकि उनका बेटे को बेहोश हो गया रहता है, तो उनको बेटे को बचाने के लिए चाबी लेकर हॉस्पिटल जाना चाहता है, और ये सभी देखकर ड्राइवर को बहुत ही बुरा लगता है और वो जाके उनको मार देता है। लेकिन उसके बाद ड्राइवर भाग जाता है और किजन मर जाती है और उसको बेटा की वो बच जाता है, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है। फिर उन माँ बेटे के ऊपर धोखे चालबाजी और साजिश का केस चलता है, लेकिन कोर्ट इनको सजा नहीं देता, कुछ इंस्ट्रक्शंस देके छोड़ देती है। और पार्क फैमिली इस घर को सेल कर देते और वहाँ पर एक जर्मनी फैमिली रहने लगता है, लेकिन फैमिली को उसके हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलता है। इस बेसमेंट में आज भी टीटक रहता है यानी द ड्राइवर, क्योंकि वो अपना मालिक को मारने के बाद यहाँ आकर छुप जाता है। फिर वो मोर्स कोड के जरिए अपने बेटे को इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि वो आज भी यहाँ पर जिंदा है। वो ड्राइवर अपना बेटे को लाइट ऑन ऑफ करके कोडिंग मैसेजेस भेजता है और इसको अपना बेटा दूरबीन से देखकर मैसेजेस फरकने लगता है। और क्यू अपना फादर के दिए कोडिंग मैसेजेस के थ्रू पता लगाकर ये अपना फादर जिंदा है करके सोच लेता है। ये एक लाइट को यूज करके आपस में बातें करने के लिए कोडिंग मैसेजेस किया जाता है ऐसा। और यहाँ पर क्यू अपना ओनर के स्टैचू के सामने आकर रिग्रेट करता है। अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।